स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 की पोएट्री द नेशन बिल्डर एक्सप्लेन करूंगा। इसके राइटर हैं R.W. इमर्जन। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पे कैसी वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि किस तरह के लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं या किस तरह के लोग राष्ट्र का विकास करते हैं या राष्ट्र के निर्माण करने वाले लोगों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इन बातों को कवि ने इन पंक्तियों में बताया है। Not gold, but only men can make a people great and strong. People का अर्थ यहाँ राष्ट्र से है। एक राष्ट्र को महान और मजबूत बनाने के लिए केवल लोगों की जरूरत होती है। केवल लोग ही एक राष्ट्र को महान और मजबूत बनाते हैं या बना सकते हैं। धन नहीं, सोना नहीं। नॉट गोल्ड का मतलब यहाँ सोना से है या धन से है, तो इसका पूरा अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि राष्ट्र का विकास देश के नागरिक करते हैं, न कि धन। देश को मजबूत बनाते हैं देश के नागरिक, देश को महान बनाते हैं देश के नागरिक, न कि पैसा, धन या सोना चांदी। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। अब किस प्रकार के लोग या किस प्रकार के व्यक्ति देश का निर्माण करते हैं, देश का विकास करते हैं? तो वे लोग जो सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए दृढ़ता से खड़े रहते हैं। स्टैंड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ता से खड़े रहना और लंबे समय तक कष्ट सहते हैं। तो ऐसे लोग जो सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए दृढ़ता से खड़े रहते हैं और कष्ट सहते हैं लंबे समय तक, वे देश को महान बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई, दे बिल्ड ए नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। इन पंक्तियों में कवि ने उन लोगों के गुणों की बात की है, उन लोगों के क्रियाकलापों की बात की है जो देश का निर्माण करते हैं, देश का विकास करते हैं, और साथ ही साथ वे साधारण लोगों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, यह भी बताया गया है इन पंक्तियों में। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई। ये बहादुर लोग, ये बहादुर नागरिक जो कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं जबकि दूसरे सो रहे होते हैं, सोते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ आराम करते हैं और एक दूसरे जो कर्मशील होते हैं। तो कर्मशील लोग देश का विकास करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं
राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई, डेयर का मतलब तो ऐसे घूरना होता है, लेकिन यहाँ पे डेयर का मतलब है सामना करने से। तो जो मुश्किलें आती हैं कार्य करने में उसका सामना करते हैं बहादुर लोग, और बाकी निकल लेते हैं। फ्लाई मतलब उड़ना, यहाँ से है कि भाग लेते हैं। तो जो बहादुर लोग होते हैं उनके कर्म क्षेत्र में जो मुश्किलें आती हैं तो उनका डटकर सामना करते हैं, और कायर या दूसरे लोग भाग लेते हैं पतली गली पकड़ के। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। राष्ट्र के निर्माण के लिए जो राष्ट्र के खम्भे हैं जिन पे राष्ट्र टिका है, उन खम्भों को काफ़ी गहरे तक बनाते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्र का निर्माण के लिए जो खम्भे होते हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य या इस तरह की चीज़ें स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं, मानी जाती हैं। तो देश में शिक्षा में गहराई लाते हैं, मतलब शिक्षा का प्रसार करते हैं, या फिर स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं ताकि देश के नागरिक स्वस्थ रहें। स्वस्थ व्यक्ति ही कार्य करेगा और कार्य होगा तो विकास होगा ही। तो ऐसे लोग देश के स्तंभ जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, इसमें मजबूती लाते हैं, इसमें गुणात्मक शिक्षा या गुणात्मक चिकित्सा या स्वास्थ्य उपलब्ध कराते हैं, या इस तरह की दूसरी ज़रूरतें गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और इनके आधार पर, इन गहरे मजबूत खम्भों या स्तंभों के आधार पर राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।